Hey guys, welcome back to another video. I hope all you guys are having a good time. अभी जो है हम लोग जा रहे हैं स्टेशन फगौल की तरफ अभिषेक के साथ में छोड़ने जा रहा है मुझे और सारी जो जर्नी होगी आपके साथ शेयर करेंगे दिखाएंगे तो लेट्स बिगिन। All right guys, तो ये जो है हम लोगों ने रोड पकड़ लिया है आपका सोमा मोड़ से सीधे जा रहा है दानापुर स्टेशन फगौल की तरफ और काफ़ी स्मूथ रोड है और आई थिंक 15 मिनट लगेगा पहुँचने में। आराम से ही जा रहे हैं हम लोग। 4 बजे का ट्रेन है आपका 3:55 में। तो इस ब्लॉग को एंजॉय करें और आगे आपसे मिलते हैं हम लोग। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग जो है स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और ये काफ़ी अच्छा इधर खूबसूरत नज़ारे हैं इसको एंजॉय करते हुए। और ये शायद CNG बस है जो अभी हाल में ही चालू हुआ है। काफ़ी अच्छा था। सामने भी आपको बसें दिख रही होंगी, तो वो सामने रहा स्टेशन और अब जो है हम लोग चलेंगे। गाइस, तो 3:20 हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं 3:55 में जो ट्रेन है हमारी। और बिग थैंक्स टू अभिषेक जो हमें छोड़ने आया है और अब जो है इसके जाने का समय है और हम लोग भी निकल रहे हैं और ये फ़ोन भी इसी का इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो बस चलते हैं, ट्रेन में बैठेंगे। ऑल राइट गाइस, तो ट्रेन पे आ चुके हैं। ये रहा मेरा DA और 3:55 में निकलेगा। अभी जो है वो 3:40 हो रहा, तो कुछ देर में जो है वो निकलेंगे। ऑल राइट गाइस, तो ट्रेन जो है ऑन टाइम 3:55 पे खुल चुका है और सीधे जो है ये आरा जंक्शन पे उतरेगा, रुकेगा वहाँ पे। तो ये जो है वो ट्रेन खुल चुकी है और मोबाइल को थोड़ा सा खिड़की से दूरी रखना चाहिए। सो जर्नी जो है वो काफ़ी ऐसी चल रही है। मैं बताना आपको भूल गया कि मैं जो है वो वाराणसी जा रहा हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, NTPC का एग्ज़ाम देने। उसका जो है वो डेट आया था, फॉर्म मैंने काफ़ी पहले भर दिया था, तो सोचा कि एग्ज़ाम देकर आ जाता हूँ। वेल गाइज, हम लोग लगता है मुगल सराय से पहले हैं। यहाँ पे ट्रेन रोक दी गई है और टाइम से पहले थोड़ा सा चल रहा है इसलिए। सो फाइनली जो है वो हम लोग पेट तीन दिया पहुँच चुके हैं। ट्रेन जो है वो आ रही है, समय से पहले चल रही है, अच्छे से चल रही है और ट्रेन भी है जो गाइज। तो अभी हम लोग हैं मुगल सराय में पीट दीन दयाल उपाध्याय में और आधा घंटा पहले जो है ये ट्रेन आ चुकी है, तो यहाँ पे काफ़ी देर वेट करना होगा और 8 बजे टाइमिंग से वाराणसी पहुंचा देगी। ऑल राइट गाइस, तो टाइम से जो है हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। काफ़ी टाइम पे थी, लेट नहीं हुआ है। हालांकि मुगल सराय में पहले पहुंच गई थी तो आधा घंटा वहाँ वेट करना पड़ा और अभी जो है होटल की तरफ जा रहे हैं, होटल रूम में जाते हैं, फिर वहाँ आपसे बात करते हैं।
गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सेम होटल में ही रूम ले लिया हूँ जो पिछली बार आया था 2018 में, तो क्योंकि रास्ता वगैरह सब कुछ सेम लग रहा है। चलते हैं तो देखते पता चलेगा। तो गाइस मैं घूम रहा था थोड़ा इधर उधर, और कुछ खाने के लिए गया था, चाय पीने के लिए गया था, एंड यहाँ कुछ उतना है नहीं, तो मैं अभी रूम की तरफ जा रहा हूँ। एंड ऑलर गाइस अभी जो है वो रूम में आ चुके हैं, और 8:10 अभी 10 मिनट हो रहा है, और अभी बस थोड़ा सा मैच देखेंगे। अभी मैच चैनल मिला है, मतलब कि डीडी स्पोर्ट्स पे देख रहे हैं, और उसके बाद जो है जैसे मैंने बताया कि एनटीपीसी का जो है वो मेरा कल एग्ज़ाम है, एंड थोड़ा बहुत जो है देखेंगे कल जो है वो निकलेंगे। 8:00 कह रहा हूँ, सुबह में ही निकल जाएंगे, 8-9 कह रहा हूँ। एंड अभी जो है थोड़ा सा रूम टूर दूंगा, ज़्यादा कुछ खास रूम नहीं है, मतलब कि सिंपल है, मतलब रहने लायक है। एंड यहाँ से गाइस एंट्रेंस है, और जो है वो बेडशीट वगैरह है, बाथरूम वहाँ पे, एंड थोड़ा बहुत जो है ये सामान वगैरह मैंने रखा है, ज़्यादा नहीं, मतलब शॉर्ट एंड सिंपल है ना। ये खाना वगैरह लाया था घर से, खाऊंगा अभी। एंड यहाँ पे टीवी है वगैरह मैच देखने के लिए, अच्छा है, बाथरूम वगैरह मैंने बताया। एंड यार गाइस क्वाइट गुड, मतलब कि ठीक ही है, अच्छा। कुछ देर में जो है वो खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत जो भी है होगा देखेंगे, और उसके बाद जो है वो सो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी जो है वो मुझे नींद आ रहा था ट्रेन में, लेकिन मैंने सोया नहीं वहाँ पे। तो इट्स नेक्स्ट डे, और अभी जो है वो मैं नहा धोकर तैयार हूँ, और अभी जो है वो सेंटर पर जाना है, और सेंटर पर जाने का टाइम है आपका 9 से 10, और 10:30 से 12 एग्ज़ाम होगा। तो अभी जो है वो 8:00 रहा है, तो अभी जो है वो थोड़ी देर में निकलेंगे ओला बाइक से, और थोड़ा सा दूर है, मतलब दूर नहीं, मतलब 3-4 किलोमीटर है, तो अंदर है थोड़ा, इसलिए जो है वो ओला बाइक को करेंगे, और उससे जो है वो हम जाएंगे। सो फिलहाल जो है इस रूम को बाय करने का मौका नहीं है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि सेम ही होटल में मैं लास्ट टाइम जब आया था वाराणसी, तो यही पे जो है वो रुका था। हाँ, रूम सेम नहीं है, लेकिन होटल सेम है। गाइस अभी जो है ओला का वेट कर रहे हैं, तो ओला से बात हुआ अभी, अभी थोड़ा देर में निकलेंगे हम लोग, एंड यहाँ पे वेट कर रहे हैं स्टेशन के पास। एग्जाम हो चुका है और घर जा रहे हैं ट्रेन। चल रही है, तो यहाँ पे वेट करना होगा। तो ट्रेन जो है वो टाइम से आ चुकी है, उस तरफ लगा हुआ था, और अभी जो है वो 6:00 रहा है, 6:10 टाइम से ही जो है पहुंचा दिया, अब घर जा रहा हूँ। काफी जो है सर दर्द हो रहा है, वहाँ पे बात करेंगे। दिस इज नेक्स्ट डे, और छत पे हैं, थोड़ा सा टहल रहे हैं, शाम का वक्त है, और ये जो जर्नी थी, और एग्जाम भी ठीक ही ठाक गया, उतना कुछ खास नहीं गया, तैयारी वगैरह तो नहीं थी, इसलिए था कि फॉर्म भरे तो जाकर एक बार दे देते हैं। एंड आज के लिए बस इतना रहता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले समय में और भी प्लान्स है अपने दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने का, तो वो अगर एग्जीक्यूट होता है तो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।